हुकूमत तेलंगाना अपने हर वादे को पूरा करने की पाबंद है। बीआरएस की जानिब से किए गए तमाम वादों को पाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मंगल को अंबरपेट में जदीद कब्रस्तान के संगे बुनियाद के दौरान किया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी के मुतालिबे व जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की असम्बली में जहन दहानी पर मुकामी एमएलए कालेरू वेंकटेश ने गुज़िश्ता इंतखाबात में मुसलमानों से वादा किया था कि वो मुसलमानों को कब्रस्तान के लिए ज़मीन फराहम करवाएंगे, जिसको आज पूरा किया गया। इसी ज़मन में अंबरपेट में कालेरू वेंकटेश की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर दाखिला ने बात करते हुए कहा कि अंबरपेट रुकनी असम्बली ने अपने हलके को खूब तरक्की दिलाई है। उन्होंने आवाम से जो भी वादे किए थे सभी को पूरा किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कालेरू वेंकटेश ने अंबरपेट में 150 करोड़ रुपए मालियती अराजी मुस्लिम कब्रस्तान के लिए फराहम की है, जिसका संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा कि केसीआर क़ियादत वाली तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल को संजीदगी से हल कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मजाहिब के लोगों की तरक्की के लिए मुतअद्दद स्कीमात को रुबा अमल लाया है, जिससे हर घर में कम अज़ कम एक स्कीम से इस्तेफादा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पिछले 9 सालों में जो तरक्की तेलंगाना रियासत को हासिल हुई है वो मुल्क भर में देखने को नहीं मिलती। मजीद कहा कि तेलंगाना रियासत गंगा जमुना तहजीब की उम्दा मिसाल है, जहां पर तमाम मजाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीआरएस एक तरफा कामयाबी हासिल करते हुए मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत बनाएगी और रियासत की तरक्की का सिलसिला जारी रखेगी। इस मौके पर मजलिस के अराकीन काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग, अंबरपेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाई सुदूर व सरगर्म कारकुनान और कॉरपोरेटर्स विजय गौड़, महतरमा पद्मा वेंकट रेड्डी, बाबा फसीउद्दीन, ख्वाजा सिराजुद्दीन, सूफ़ी मुनीर अहमद, मौलाना याकूब, शब्बीर अहमद, सैयद शमसुद्दीन कादरी, सैयद सैफुद्दीन कादरी और दीगर शरीक थे। मुस्लिम कायदीन ने रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश को इंतखाबात के दौरान किए गए वादे को पूरा करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। वोट देखने दो, थोड़ा हट जाओ उधर से, थोड़ा। आज हमारी स्टेट 14 साल की जद्दोजहद के बाद, हमें मिलने के बाद जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। यकीनन बहुत से लोगों ने यहाँ हुकूमत की आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी स्टेट में गंगा जमुना तहजीब है तो वह तेलंगाना स्टेट है। अक़लियतों के लिए जो महमूद अली साहब काम कर रहे हैं बहुत काबिल-ए-क़बूल है, क्योंकि कभी दिल को तकलीफ भी होती है जो इंसान रात और दिन मेहनत करता है और कई मुखालिफिन उनके खिलाफ बोलते हैं, मगर महमूद अली साहब हमेशा जब कभी भी मसला आता है अखिलियतों का, बराबर हुकूमत से लड़ते हैं, लड़कर काम करवाते हैं। यहाँ पर भी यहाँ के रुकन असम्बली की जो मेहनत है, वहीं पर मैं उनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि वेंकटेश साहब को कि आपने इलेक्शन में वादा किया और वादे को पूरा किया। और दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक, जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमात में मसरूफ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।